डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोगों ने जो है लास्ट टू लास्ट क्लास में, या यूं कहें तो पिछले लगभग 15 से 20 वीडियो में, आप जब देखेंगे तो हम लोग इनर्शिया फोर्स का बहुत ही इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। और आज समय है कि हम उन इनर्शिया फोर्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन इनर्शिया फोर्स इन रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। ये थ्योरी ऑफ मशीन का जो है, जैसा कि आपको मालूम है कि थ्योरी ऑफ मशीन या डायनामिक्स ऑफ मशीन का जो है एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ें तो जस्ट एक मिनट जो है आपका लेंगे। तो हम बता दें कि ये आपका रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स हैं और ये जो है आपका कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक, ये एल आर थीटा। क्योंकि ये जब न्यूमेरिकल हम बना रहे हैं, इसका मतलब कि जो है आप हमारे जो प्लेलिस्ट में आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि सारी वीडियो इस सीक्वेंस में है, प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो सीक्वेंस में है तो ये आप वीडियो देखे होंगे, तभी आप ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हैं। और यदि अभी याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो हम एक मिनट के लिए आपका टाइम लेंगे। देखिए, ये क्रैंक एंगल है थीटा और ये कनेक्टिंग रॉड का एंगल है फाई। ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है जो लाइन डायग्राम से हम दिखाए हैं और ये डिस्प्लेसमेंट किसी क्रैंक एंगल थीटा पे ये हमारा निकला था, ठीक है। और फिर वेलोसिटी निकाले थे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारा वेलोसिटी निकला था। तो ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी निकला है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम हम लोग एक्सेलरेशन निकाले थे, ये भी लीनियर एक्सेलरेशन है। और लीनियर एक्सेलरेशन के बाद एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाले हैं। ये आप ध्यान देंगे तो ये जो है एन क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू द क्रैंक, और थीटा जो है क्रैंक एंगल है। फाई को जो है हम थीटा में कन्वर्ट किए हैं, ठीक है, क्योंकि रियल न्यूमेरिकल में और रियल जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो उस समय आपको जो है फाई जनरली नहीं दिया रहता है, बल्कि आपको थीटा दिया रहता है। तो अपने को थीटा मालूम रहना चाहिए, ठीक ना। और इसके बाद अब जो है आइए तो हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल क्या कहता है, उसके बाद इस पर आएंगे हम। सबसे पहले जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले लिखिए गिवन कि क्या दिया है। इसी से तो अपने को पता चलेगा कि निकालना क्या है, ठीक ना, और कैसे निकालना है, दोनों चीज़ अपने को पता चल जाएगा। देखिए, इफ द क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड, अब देखिए ये क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड तो हम फिगर नहीं बनाएंगे, बल्कि ये फिगर जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इफ द क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड आर 300 mm एंड 1 मीटर लॉन्ग, दैट मीन्स की एल जो है ये लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड दिया है 1 मीटर, और क्रैंक मतलब जो है ये क्रैंक आर, स्मॉल आर जो है हम लिखें तो 300 mm है, तो इसको 0.3 मीटर में ले लिए, ठीक है। उसके बाद दिया है एंड द क्रैंक रोटेट्स एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 200 rpm, एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड दैट मीन्स की एन आपको दिया है 200 rpm, तो ओमेगा निकाल सकते हैं हम। कैसे निकलेगा, 2πn/60, तो ये 2πn दैट मीन्स की 200/60, तो इससे आपका ओमेगा निकल करके आ रहा होगा 21 rads/s, ठीक है, ये आपका 21 आ गया। उसके बाद क्या कहता है, यू हैव टू फाइंड द क्रैंक एंगल एट विच द मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स। अब मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स, तो सबसे पहले तो ये देखें कि वेलोसिटी है कितना। तो वेलोसिटी तो यही है ना, देखिए तो ये भी आप निकालेंगे, ठीक है ना, ये यही वेलोसिटी है वी पी। तो वी पी कितना है आपका, ओमेगा आर और साइन थीटा प्लस साइन 2θ डिवाइडेड बाई 2n, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला था, किसका फार्मूला था, आपके वेलोसिटी का। अब पूछ रहा है कि क्रैंक एंगल कितना होगा जिसमें वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। अब ये वेलोसिटी टू बी मैक्सिमम क्या कंडीशन है, dv/dt जिस पॉइंट पे जीरो होगा, ठीक है ना, dv/dt जिस पे जीरो होगा वही वैल्यू भी मैक्सिमम निकलेगा आपका, ठीक है ना। तो हम ये निकाल दें, पहले थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा दोस्त, देखिए ओमेगा आपको मालूम है अभी हम निकाले हैं, आर मालूम है, थीटा तो निकालना ही है, और 2n, n क्या होता है l बाई आर, l कितना है 1 और r कितना है 0.3, ठीक है ना। तो ये आपका
निकालेंगे तो 3.33 ऐसे आ जाएगा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे निकालें dv बाई dt, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है ना। तो dv बाई dt इक्वल टू 0 इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, ओमेगा r अपने जगह पे, साइन थीटा का कॉस थीटा, और कॉस साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2n अपने जगह पे है। ये देखिए ओमेगा आर तो जीरो हो नहीं सकता है, तो यही जीरो होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस में आ जाएगा, ये उधर बाहर जाएगा तो, और ये टू और टू क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा कॉस टू थीटा अपॉन एन, ये आ गया आपका। अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए कॉस टू थीटा का, ठीक है ना, आप क्या वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉस टू थीटा का आपको मालूम है कि टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, ठीक है ना, तो वो वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। ये निकालेंगे जब हम ऐसे, तो एन कॉस थीटा और इक्वल टू माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एन का वैल्यू आप 3.33 निकाले थे, तो इसको इसको इधर लेकर के आते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा इधर लाए हैं, और ये तो यही है, प्लस क्या हो जाएगा एन के जगह पे 3.33 कॉस थीटा, और ये वन इधर आएगा, तो ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये माइनस अपनी जगह पे रह जाएगा, तो ये वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये इक्वेशन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे हम कॉस थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो वही बी स्क्वायर 3.3 का स्क्वायर, सॉरी माइनस बी, फार्मूला एक बार हम लिख देते हैं आपको, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये किसका इक्वेशन होता है, x का, कब, जब x ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, वही इक्वेशन यहाँ भी है। तो ये माइनस बी, तो माइनस 3.33 हो जाएगा, प्लस माइनस दो वैल्यू होगा, बी स्क्वायर 3.33 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपन 2 इंटू 2, ठीक है ना। इससे जब आप निकालेंगे, ठीक है ना, तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगा, ठीक है ना, दो वैल्यू मिलेगा, लेकिन एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, लेकिन माइनस वाला वैल्यू जो है माइनस वन से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस वन से ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू वन और माइनस वन के बीच में होता है, तो वो छोड़ देंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.26। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू ये कॉस थीटा हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0.26, ठीक है। और इसको जब आप निकालेंगे 0.26 को, 0.26 का आप निकालेंगे तो यहाँ थीटा आएगा आपका 75 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये थीटा निकल गया आपका 75 डिग्री। तो पहला जो क्वेश्चन था, द क्रैंक एंगल एट विच द मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे अकर होगा, थीटा इक्वल टू 75 डिग्री पे। उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन पूछ भी रहा है, ठीक है ना, कि ये पिस्टन का मैक्सिमम वेलोसिटी होगा क्या। तो अब भी का जो है यही फार्मूला, ठीक है ना, अब ये जो भी है आपने निकाला है क्या है, ओमेगा इंटू आर, अब थीटा 75 डिग्री यहाँ रख दीजिए, तो भी मैक्सिमम निकल जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है, 21, आर का वैल्यू कितना है, 0.3 साइन, और अभी अभी आपको हम निकाले हैं 75 डिग्री, ठीक है ना। तो ये जो है 75 डिग्री आपका निकला है, ठीक है ना, ये 75 डिग्री साइन 75 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 2 थीटा है तो 150 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.33, एन का वैल्यू 3.33 है, ठीक है ना। तो ये अब आपका भी मैक्स निकलेगा आपका, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर द वैल्यू ऑफ 6.54 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन सारे वैल्यूज को डायरेक्ट कैलकुलेटर के हेल्प से निकालिएगा, ठीक है ना, इसमें कहीं भी ब्रेक डाउन करके इसको कैलकुलेट नहीं करना है। तो ये था आपका मैक्सिमम जो है वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन और क्रैंक एंगल एट विच द मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन, शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन।
ठीक है ना। और आपने देखा कि कैसे इस फॉर्मूला पे ये सिर्फ एक सिंगल फार्मूला पे ये पूरा न्यूमेरिकल बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से और भी हम लोग 8-10 क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 क्लिक कीजिए और उसको देखिए, आनंद लीजिए। यही आपके थ्योरी ऑफ मशीन के प्लेलिस्ट में है या डायनामिक्स ऑफ प्लेलिस्ट में भी ये हम जो है दिए हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन लिंक में है, यदि क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मस्ट प्रमोट दिस चैनल बिकॉज इट इज़ योर्स चैनल, ठीक है ना। ये आपका अपना प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा मैकेनिकल के बच्चों के लिए चैनल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और स्वस्थ भी रहना है, मस्त भी रहना है और मुस्कुराते रहना है। धन्यवाद।